पता है, ये मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाने वाली हूँ। उसके लिए मुझे पहनना पड़ेगा ये वाले जूते। ये मेरा एक किल्टा राजमा। वही कौन है इस किल्टे के नीचे? तो हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। और क्या है वहाँ पे ऐसा? पहचान सकते हैं आप इस फ्रूट्स को क्या बोलते होंगे? खत्म होने वाला तो लगता नहीं है। दिखती हूँ मैं आप सभी का हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के एक छोटे से गांव में। तो अभी सुबह का टाइम है दोस्तों, मैंने जो है सुबह उड़ते ही जो है ब्रेकफास्ट ब्रुकफास्ट बना दिया है और अभी मैं जा रही हूँ खेत में राजमा उठाने के लिए। तो घास का सीज़न लगभग क्लोज ही हो गया है, झाड़ने का भी। अभी मैं स्पेशली जा रही हूँ राजमा उठाने के लिए। तो राजमा किस तरह से खेत में होता है और उसको किस तरह से उठाया जाता है, ये मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाने वाली हूँ। उसके लिए मुझे पहनना पड़ेगा ये वाले जूते क्योंकि बहुत सारा घास है और सांप का भी थोड़ा डर रहता है। किल्टा ढूंढ रही हूँ किल्टे में लाने के लिए, क्योंकि उसमें लगाना इजी रहता है ना, फिर दाने भी नहीं गिरेंगे, उसी में रहेंगे। तो मैं फिलहाल ढूंढ रही हूँ किल्टा, पता नहीं मम्मी ने कहाँ पे रखा है। रखा है यहाँ पर, मैं पहले निकाल। तो ये वाला ठीक है, ये बनाया जाता है ना लकड़ी वाला, ये और बाकी प्लास्टिक वाले। ये जो राजमा उठाया जाता है ना दोस्तों, सुबह और शाम के टाइम में बढ़िया रहता है। और देखो मेरे पीछे देख सकते हैं आप, धूप भी पहुँच ही रही है। और अभी तक मैंने जो है एक किल्टा राजमा उठा भी लिया है। ये सुबह जल्दी इसलिए उठाना पड़ता है ना क्योंकि ये ना ये मतलब फटती नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सूखने के कारण ये खुद ही खुद ये अपने आप जो है खुल जाती है। इसकी जो कलियां होती है, मैं बाद में आपको बताऊंगी कि किस तरह से खुल जाती है। तो मैं अभी एक किल्टा राजमा उठा दिया है, देखिए मेरा एक किल्टा राजमा। बस अब धूप भी पहुँचने वाली है। और क्या यार, इतना सा राजमा भी नहीं चख पा रही हूँ, शर्म की बात है। आधा तो गिर गया, चलो इसको यहीं पर रहने देती हूँ, नहीं बाद में उठाऊंगी। उठाते उठाते सारा गिर जाएगा सारा। तो यहाँ पे पहले से ही राजमा है। मैं कहाँ पे रखूँ, यहीं पे रख लेती हूँ क्योंकि ये भी येलो वाला ही राजमा है। इसको लगाती हूँ किल्टे में। ये उठाते वक्त ओवर हो गया था इसलिए गिर गया ये सारा का सारा। तो यहाँ से परे रह गया मेरा राजमा। इसको ऐसे पटना पड़ता है, इसको ऐसे पट लिया और इसको भी ऐसे इस तरह से पटना पड़ता है। ये देखो ये जो ज़्यादा सूखी है ना, इनसे राजमा गिर भी जाता है, पर इसमें गिरे नहीं अभी। ये देखिए धूप भी पहुंच गई और मैंने तीन किल्टा राजमा उठा रखा है। तो अभी थोड़ी सी भूख भी लग रही है, अभी हम खाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे। तो इतना सुखा करके ये देखो सीधी सुबह सुबह बाहर आई है और बोल रही है, ये किल्टे में कौन आवाज़ लगा रहा है? वही कौन है इस किल्टे के नीचे, कौन है? इसको दबा के रखो ऐसे ही। अब निकल, अब निकल, गया क्यों फिर, इसी में रहेगा अब। कोशिश कर तो निकलने की, अब इसी में फंस गया ये। अब इसके ऊपर मैं एक बड़ा सा पत्थर लगाऊंगी, ठीक है? हाँ ये भी तो छोटा सा बकरी है, ये भी तो म्याऊ निकल गया। चलो चलो ब्रेकफास्ट करते आओ। मम्मी आ देखो, ये देखो सीधी यहाँ पे कंबल लेके बैठी है, ड्राइंग बना रही है। और ड्राइंग में क्या बना रही है भाई? खुद के जैसे ही बना रही है। चलो आ जाओ एक बार ब्रेकफास्ट करते बेटे। ये देखो तो बाल, चिड़िया का घोंसला बना दिया अपने बालों को। चलो तो हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और झाड़ू पहुंचा, जो भी करना था मैंने कर दिया, बर्तन बुर्तन सब धो लिए और मैंने कपड़े कुपड़े भी धो लिया है। तो अब मैं थोड़ी तेज जैसी धूप हो गई है, जो राजमा है उसको मैं झाड़ूंगी और जितना बचा हुआ जो राजमा है उसको मैं शाम को उठाऊंगी, क्योंकि अभी धूप लगी है ना तो शाम को बढ़िया रहेगा। तो अभी मैं कपड़े सुखा के, कपड़े मैंने सुखा दिए दोस्तों, अब मैं जाने वाली हूँ राजमा। तो सिद्धी सिद्धी का जिद है कि परे घर चलो, मैं बोली अभी राजमा जाने दे मुझे, फिर उसके बाद मैं शाम को ले जाऊंगी। तो अभी क्योंकि धूप भी अच्छी है ना बेटे, अभी धूप में अच्छे से जड़ जाता है राजमा, है ना? जाओ तो अभी क्या कर रही, देखना ऊपर लाली के साथ जल्दी जाओ, लाली के साथ है वहाँ ऊपर, देखो लाली चुगा रही है, वही खेलना साथ में, वहाँ पे बहुत सारे पत्थर है, घास है, लकड़ियाँ है। जाओ जाओ जल्दी, फिर मैं नहीं ले जाऊंगी नए घर।
कहाँ पे ऐसा? खुद ही जाना, जाते रहो फिर। तो दोस्तों फाइनली मैं जो है अब राजमा जाड़ रही हूँ, क्योंकि सिद्धि और फ्राइला ने थोड़ी देर मेरे को इतना परेशान करके रखा था। अब मैंने उन दोनों को भेज दिया है मम्मी के पास, तो दोनों गए मम्मी के पास, गाय चुगा रहे मम्मी साथ में। और ये जो जितना जो मतलब हो रहा है, जो राजमा जड़ रहे हैं, उनको मैं साइड में रख रही हूँ एक तरफ, ताकि ये जो चारा है पशुओं के काम आ जाएगा सर्दियों में। तो इस तरह से मैं जो है राजमा जाड़ रही हूँ। फ्रूट का नाम है अधिकता, वैसे चेरी की तरह ही है, बेर या चेरी की तरह कुछ ऐसे दिखता है ये, पर इसको हमारे ये यहाँ पे पहाड़ में मिलता है ऊपर मुलिंगकंडे की तरफ, और अंदर से ऐसा होता है, इसके छोटे छोटे काले काले दाने होते हैं। और इसको हमारे किन्नौरी में तो बोलते हैं, यहाँ पे जो बोलते हैं मारपोल बोलते हैं इसको, और ये ऊपर हाइट में मिलता है। तो कल परसों भैया कंडे की तरफ गए थे, मुलिंगकंडे की तरफ, वहाँ से लाया था उन्होंने, बहुत सारा तो खा लिया, तो कुछ ही बचे हुए थे। तो मैंने सोचा अभी खा लेती हूँ, साथ में आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि इसको हमारे यहाँ पे मारपोल बोलते हैं। उस दिन आया था कच्चे थे थोड़े से, अभी अच्छे से पके हुए हैं, अभी वाला टेस्टी है। इस तरह के बीज होते हैं इसके अंदर, और थोड़ा सा रह गया राजमा। तो बस मैं भी यहाँ पे बैठी बैठी अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। तो मम्मी भी आए हैं यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे इतना सारा राजमा का भूसा सर्दियों में पशुओं के लिए। तो राजमा दिखाती हूँ, कितना राजमा निकला हमारा, ठीक है। ये देखो भाई, इतना सारा राजमा निकला हमारा। तो आप लोग सोच तो रहे होंगे कि इतना सा क्या राजमा है ना। तो इतना सा राजमा इसलिए है क्योंकि इसको एक बार झाड़ा था, तो दोबारा इसको हम दोबारा से झाड़ रहे थे, तो इतना भी बहुत होता है। दूसरी बार का राजमा है ये, और बाकी ये इधर ये वाला तो अभी दो तीन दिन ऐसे ही रहेगा, उसके बाद ही झाड़ेंगे। बाकी जो इसका फर्स्ट वाला जो झाड़ा हुआ राजमा है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे है ये है, जो फर्स्ट राजमा जाड़ा था, आधा यहाँ पे है, आधा मम्मी ने वहाँ कट्टे में रखा है। बस अभी दोपहर का टाइम हो गया है, बस इसको थोड़ा सा अलग निकालेंगे इसको, तो उसके बाद हम करेंगे लंच, और उसके बाद शाम के टाइम में जो राजमा उठाने का है उसको उठाऊंगी जो बचा हुआ है। देखती हूँ ख़त्म होता है कि नहीं होता है, वैसे तो ख़त्म होने वाला तो लगता नहीं है। फिर भी देखो सिद्धि और प्राइल, अरे वाह क्या ला रहे हैं आप दोनों, आप लोग थक गए होंगे, तभी जूस लाया। वाह बड़ी समझदार बच्ची हो गए, वही पिलाने वाले। अभी को भी बुलाओ, अभी को भी बुलाओ, गिलास तो छोटे लाते, बस 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 मेरे को भी दे, दीदी को भी लगाओ, रुको दो। ये देखो प्राय कितना एक्सपर्ट हो गया, इतना चलाक हो गया, लगाओ थोड़ा लगा। और लगा यार, थोड़ा इतना कंजूसी, बस दे मुझे भी। कौन सा बार बार पीना है, एक ही बार पीना। इसमें ये गंदे किए आपने, लो पकड़ो इसमें लगाओ, इतना चलाक बच्चा है ना ये, हो गया। और लगा, और लगा, और हाँ बस हो गया।
बच्चे है उसमें ढक्कन लगाओ। मेरे लिए लगाओ। वो जो है चार नहीं है हम लोग, मेरे लिए ले। इसमें ढक्कन लगाओ। ढक्कन दे, तेरे लिए पास रहेगा ये। मेरे पास रहेगा ये, मेरे पास रहेगा। मुझे नहीं पता कहाँ है क्या है ये जूस। क्या इसको ये दो? गूंगा है। किसे लो? पियो जूस। ये तो मजा आया तकले। अरे मजा, इसको तो दूसरों का गिलास कहीं लगा रहता है, खुद का तो होते ही दूसरों के गिलास पे भी ध्यान होता है इसका। ये देखो चलाक बच्चे का, उल्टे उल्टे क्रीम लगाता रहता है, बड़ों का क्रीम। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था ना पूरा राजमा पर ही था, मतलब अभी भी पूरी तरह से जो वीडियो है ना कंप्लीट नहीं है। अभी राजमा को इसके बाद लगाया जाता है हवा में, जो कि नेचुरल हवा में लगाया जाता है। तो यहाँ तक का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगी आप लोगों को नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।